सरे आगे मैडम तो कुर्ते खराब हो जाएंगे। राजू जी राजू सर मिलवा दे कमांडो अमित आ जाए अमित भाई साहब नहीं नहीं आज तो रमेश बुरा जी ने जो हॉस्पिटल की स्थापना की है मैट्रिक्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इसके उद्घाटन के लिए उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया था और जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। बाकी ये ज़रूर है कि अब तो चुनावी मौसम है और हरियाणा में कुछ इस तरह की अब एक वो बन गई है कि क्योंकि लोकसभा के कुछ महीने बाद ही असेंबली का आ जाता है तो करीब लगातार 6-7 महीने जो हैं वो पूरा प्रदेश जो है वो चुनाव में ही फंसा रहता है। तो ठीक है आजकल सबकी सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं सबकी अपनी गतिविधियाँ चल रही हैं, कईयों की तेज़ है, कईयों की धीमी है, कई कोशिश कर रहे हैं अपनी जगह तलाशने की और ठीक है देखते हैं आगे क्या क्या होता है। कांग्रेस ने तो बड़ी स्पष्ट सी चीज़ है कि एक एक तरह का काम करने का तरीका बन चुका है बीजेपी सरकार का कि जहाँ भी चुनाव की दस्तक होती है वहाँ पे ईडी और दूसरी एजेंसीज जो हैं वो पहुँचना शुरू हो जाती हैं। अब ये 3 छापे जो पिछले हफ्ते 10 दिन में हुए हैं ये तीनों कांग्रेस के सिटिंग MLAs के यहाँ हुए हैं, चाहे वो छोकर साहब हों, चाहे राव दान सिंह हों, सुरेंद्र पवार हैं। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो जिसको पूरे देश ने और लोगों ने समझ भी लिया और जो लोकसभा के चुनाव थे उसके अंदर आपने नतीजे देखे। ख़ास तौर पर मैं इसमें हमेशा उदाहरण करना इसका महाराष्ट्र का लेना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ जिस प्रकार से इन एजेंसीज़ के डर से या इनके दबाव से जिस प्रकार से पार्टियाँ तोड़ी गई, जो सरकार थी उसको गिराया गया, दो दो बड़ी पार्टियों को तोड़ा गया, लेकिन लोगों ने इसको बिल्कुल नकार दिया वहाँ पे। और इसकी काट भी यही है कि अल्टीमेटली तो लोगों को ही इसके खिलाफ उठना पड़ेगा और लोग अपना जो मत है वो वोट के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। ये दुरुपयोग जो है एजेंसीज़ का ये एक बहुत ऐसी परिपाटी है जो राजनीतिक व्यवस्था को दूषित करती है, उसमें कटुता पैदा करती है क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आज होगी और कल को लोग भूल जाएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ों से सरकार को गुरेज करना चाहिए और ख़ास तौर पे ये सारी इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो इलेक्शन से पहले ही क्यों याद आती हैं, ये आप 2 साल पहले भी कर लेते इस कार्रवाई को, लेकिन सारी की सारी चीज़ें ये इलेक्शन के समय में आती हैं और ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर हुड्डा साहब ने कहा कि उनकी पार्टी का कांग्रेस का किसी से गठबंधन नहीं होगा, आप क्या मानते हैं कि ऐसा आने वाले टाइम में संभव है कोई ठीक सा गठबंधन बनने की, आपको कुछ पॉसिबिलिटीज लगते हैं? देखिए मेरे जानकारी में नहीं है कि हरियाणा में कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन में चुनाव लड़ा हो। सिर्फ पिछला लोकसभा जो चुनाव था उसमें आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि इंडिया राष्ट्रीय स्तर पे जो एक गठबंधन बना था लोकसभा की रूह से, खासतौर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय स्तर पे एक चैलेंज पेश करना था सारे विपक्षी दलों ने, सो उस नाते ज़रूर एक समझौता हुआ था। अदरवाइज़ हरियाणा में कांग्रेस को
किसी समझौते की जरूरत नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, हमेशा से रही है और अपने बल पे चुनाव लड़ने में पूरी तरह से ना सिर्फ सक्षम है बल्कि इस बार तो जिस प्रकार के हालात हैं बहुत बड़ी जीत भी निश्चित लग रही है। देखिए अब ये जांच फाइल 10 साल से चल रही है, कोई नई चीज़ तो है नहीं, लेकिन इसकी भी टाइमिंग वही है। ये आई थिंक ढींगड़ा कमीशन वाली आप बात कर रहे हो, हालांकि उसमें मेन चीज़ तो ये है कि वो हाई कोर्ट के माध्यम से एक चीज़ आई है जिसमें उन्होंने अपना मत रखा कि ढींगड़ा कमीशन ही दोबारा से कार्रवाई शुरू कर सकता है, जहाँ उन्होंने पहले अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी उसको हाईकोर्ट ने नहीं माना था क्योंकि प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अगर वो प्रोसीजर को वहीं से शुरू करें जहाँ से पहले चूक हुई थी तो यही कमीशन दोबारा चालू रह सकता है, लेकिन 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 इसके बाद इस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई है। ये सिर्फ हाईकोर्ट का एक मत था, उसके बाद शायद इसको चैलेंज भी किया गया था जो रिजेक्ट हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। वैसे सभी जो कांग्रेस के नेताओं नहीं, मैंने तो उदाहरण दिया आपको, महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा स्टेट है और वहाँ तो बिल्कुल पार्टियों को तार तार कर दिया था, तीनों पार्टियों को, कांग्रेस को भी, शिवसेना को भी और एनसीपी को भी, लेकिन जब नतीजे आए तो किस प्रकार से वहाँ पे कांग्रेस का उभार हुआ, 13 उनके खुद के जीते और एक उनकी मदद से जो जीते 14वीं सीट, उसके अलावा शरद पवार जी की पार्टी 8 MP जीत के आई है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 9 MP जीत के आई है, तो लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल सिरे से नकारा है। और हरियाणा में तो जिस तरह के हालात हैं, यदि आप सिर्फ इसको राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहें तो ये तो और घातक है बीजेपी के लिए इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं प्रदेश में। एक भाई सर, जैसे टिकटों अभी चुनाव है तो सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं टिकटों साने के लिए अपने अपने नेताओं की परिक्रमा करते हैं, नेता कहते हैं सर्वे से मिलेगा, तो सर ओवरऑल आपको क्या पॉलिटिकल सिनेरियो लग रहा है अभी टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बेस बनेगा? देखिए कैसे दूर होगा, देखिए जो सर्वे है या ये जो एक नए प्रकार का एक सिलसिला पिछले 10-12 साल से शुरू हुआ है जिसमें प्रोफेशनल्स जो इलेक्शन मैनेजमेंट के हैं वो पहली बार हमारी इस पिक्चर में आए हैं पिछले 12-13 साल से। अमेरिका वगैरह में तो ये 50-60 साल से ये सिलसिला चल रहा है, तो वो भी कुछ नई टेक्निक्स हैं, नए तरीके हैं, कई बार वो कामयाब भी हुए हैं तो उससे जो राजनीतिक दल हैं या नेता हैं वो प्रभावित भी होते हैं। बाकी लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, कौन कैंडिडेट अच्छा है नहीं है, उसका सबसे बेहतर आकलन तो पार्टी और पार्टी का जो नेतृत्व है वही कर पाता है। हाँ, सर्वे वगैरह जो हैं वो उसमें सहायक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ क्योंकि सर्वेज, अब सर्वे कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, किस प्रकार का वो अपना तरीका अपनाते हैं सर्वे करने का, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिन पे आप सवालिया निशान हमेशा लगा सकते हो। एग्ज़िट पोल ही ले लो, सबसे बड़ा एग्ज़िट पोल तो एक वो चीज़ है जो ये माना जाता है कि 10 में से 9 बार ठीक होनी चाहिए क्योंकि वोट डलने के बाद का है, उस समय ओपिनियन नहीं है जो चेंज हो जाएगी, वोट डाल के लोग आए हैं, तो वो भी जब मैनिपुलेट हो जाता है या रिग्ड हो जाता है जिस प्रकार से हमने देखा, राष्ट्रीय चैनल जो हैं 11 चैनलों के एक जैसे एग्जिट पोल थे और सबकी पोल पट्टी खुल गई उसके बाद, तो सर्वेज की अपनी एक भूमिका है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सिर्फ वो ही एक इकलौता आधार बने कैंडिडेट सिलेक्शन का। पार्टी के अंदर जो लोग हैं जिन्होंने काम किया हुआ है, जो जिनका लोगों में एक प्रभाव है, वो पार्टी का नेतृत्व जो है वो उसको बेहतर समझ सकता है। देखिए मैं इन चीज़ों को कतई अहमियत नहीं देता क्योंकि मेरा मानना है अग्निवीर योजना सिरे से ही गलत है। अग्निवीर योजना जो है वो मेरा, मुझे इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि वो फौज को कमज़ोरी देने लग रही है, क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग और 4 साल की नौकरी, आप किस प्रकार का उसमें डिसिप्लिन ला पाएंगे, किस प्रकार का आप जो एक जो एक फौजी की अपनी यूनिट के प्रति जो एक उसकी भावना होती है, जो वफादारी होती है, जो जज्बा होता है,
वो इतने छोटे समय में इस तरह से नहीं पैदा किया जा सकता। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो पेंशन का खर्चा है जो फौज पे जाता है उसको कम करने के लिए ये इतनी बड़ी योजना एक लाई गई है जिससे पूरा फौज का जो स्ट्रक्चर है भर्ती का वो सारा का सारा तहस नहस कर दिया और एक नई तरह की स्कीम लाके शुरू कर दी है। और आप खुद बताइए, एक ऐसी फौज जिसमें सैनिक ही दो प्रकार के हो जाएंगे, जो इकट्ठे बैरक में हैं अदरवाइज या फ्रंट पे हैं लड़ाई के समय हैं, और मेरे साथ वाला रेगुलर है जो कल को यदि उसके साथ दुर्भाग्यवश यदि शहादत प्राप्त करता है वो, उसको सारी पेंशन मिलेगी, उसके परिवार को एक्स सर्विसमैन का दर्जा तो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, शहीद का दर्जा उसको मिलेगा, उसके साथ और बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो उसको मिलती हैं। जबकि एक जो अग्निवीर के साथ यदि कोई इस तरह की घटना हो जाए तो उसको शहादत तक का दर्जा नहीं, शहीद का दर्जा नहीं मिलता, उसको सिर्फ़ एक उसके परिवार को एक कंपनसेशन के रूप में दे दिया जाता है, उसमें भी बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो इंश्योरेंस का है। तो इस प्रकार की व्यवस्था आप जो इकट्ठे कंधे से कंधे लगा के जो जवान जो लड़ रहा है उसमें ये भेदभाव हो जाना अपने आप में एक बहुत चिंताजनक विषय है। नहीं, वो तो देखिए कांग्रेस ने वैसे तो कांग्रेस ने तो वो जनता मांगे हिसाब के नाम से एक पूरी मुहिम शुरू भी की है जिसके अंदर जो मुद्दे हैं वो उजागर किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो 10 साल का जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में उसकी जो कारगुजारी रही है उसके खिलाफ है। किस प्रकार से हमारा जो सामाजिक ताना बाना जो है उसको तार तार करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान जो असली मुद्दे हैं, जो सरकार की निष्क्रियता है उससे हटा के उस पर लाया जा सके, जो पूरी कृषि की व्यवस्था चरमराई हुई है, जो एक एग्रेरियन क्राइसिस है और जिसको और बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि सरकार में कोई रोज़गार पैदा नहीं हो रहे, प्राइवेट सेक्टर में कोई रोज़गार पैदा नहीं हो रहे, हरियाणा पूरे देश में जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का बेरोज़गारी दर का सवाल है पूरे देश में सबसे पीछे हो चुकी है, केंद्र का खुद का ये आंकड़ा है। और उस प्रकार की चीज़ें हैं जो बहुत बड़े मुद्दे हैं। और उसके अलावा जो सरकार की कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनसे जनसाधारण रोज़ उससे त्रस्त हो रहा है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी आईडी है, चाहे वो आपकी परिवार पहचान पत्र है, चाहे आपके ये और पोर्टल 36 तरह के बना रखे हैं, तो हर चीज़ में लोगों को जो असुविधा पहुंची है वो सारे मुद्दे इकट्ठे होके इस चुनाव के अंदर आएंगे। सर, जैसे लगभग मुख्यमंत्री जो बने हैं तो बदला गया था मुख्यमंत्री को, तो उनकी कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहेंगे आप? उन्होंने क्या कुछ गेन कर पाए हैं या उनकी छाया से निकल पाए हैं, क्या कहेंगे? तो देखिए ये क्या मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि हम भिवानी में बैठे हैं, मैं वहीं का उदाहरण दे देता हूँ। इसी तरह का अंतिम समय में बदलाव एक बार 1986-87 में भी किया गया था, और जबकि वो बदलाव जो आया था वो तो बहुत बड़े नेता थे, नायब सैनी जी का अभी वो प्रोफाइल या ग्राफ तो नहीं बना है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के बदलाव जो पूरी अवधि ख़त्म होने से 2 महीने पहले किए जाते हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता राजनीतिक तौर पे, क्योंकि आम तौर पे जो वोटर है, जो मतदाता है, वो किसी भी चुनाव से कई महीने पहले अपना मन बना चुका होता है। एक बहुत छोटी संख्या होती है जो किसी भी तरफ जा सकती है अंत में, तो वो लोगों का मत बना हुआ है। जो 9.5 साल की कारगुजारी रही थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी वजह से ये सारा बदलाव करना पड़ा, मुख्यमंत्री को बदला, वो जो एक अलायंस था उसको साइड में किया, मंत्रिमंडल में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए, ये सारे एक कहें डेस्परेट मूव्स हैं अंतिम समय में किसी प्रकार से अपनी जो स्थिति, वो ज़मीन जो खिसकती जा रही है किसी तरह से उसको रोक पाएँ, ये सिर्फ उसके प्रयास हैं। और इस प्रयास में सबसे बड़ी सोच जो है वो ना तो प्रशासनिक है, ना वो
प्रदेश में कोई सुशासन देने की बात से संबंधित है, वो सीधा सीधा जातिगत समीकरण को दोबारा से वही हांडी चढ़ाने का एक प्रयास है। हरियाणा में जो दो बार कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ भी बीजेपी को लाभ होने वाला। नहीं, आज तो रमेश बुरा जी ने जो हॉस्पिटल की स्थापना की है, मैट्रिक्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इसके उद्घाटन के लिए उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया था और जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। बाकी ये ज़रूर है कि अब तो चुनावी मौसम है और हरियाणा में कुछ इस तरह की अब एक वो बन गई है कि क्योंकि लोकसभा के कुछ महीने बाद ही असेंबली का आ जाता है, तो करीब लगातार 6-7 महीने जो हैं वो पूरा प्रदेश जो है वो चुनाव में ही फंसा रहता है। तो ठीक है, आजकल सबकी सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं सबकी अपनी गतिविधियाँ चल रही हैं, कईयों की तेज़ है, कईयों की धीमी है, कई कोशिश कर रहे हैं अपनी जगह तलाशने की, और ठीक है देखते हैं आगे क्या क्या होता है। कांग्रेस ने तो नहीं, देखिए अब ये जांच फाइल 10 साल से चल रही हैं, कोई नई चीज़ तो है नहीं, लेकिन इसकी भी टाइमिंग वही है। ये आई थिंक ढींगड़ा कमीशन वाली आप बात कर रहे हो, हालांकि उसमें मेन चीज़ तो ये है कि वो हाई कोर्ट के माध्यम से एक चीज़ आई है जिसमें उन्होंने अपना मत रखा कि ढींगड़ा कमीशन ही दोबारा से कार्रवाई शुरू कर सकता है, जहां उन्होंने पहले अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी उसको हाई कोर्ट ने नहीं माना था क्योंकि प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अगर वो प्रोसीजर को वहीं से शुरू करें जहाँ से पहले चूक हुई थी, तो यही कमीशन दोबारा चालू रह सकता है। लेकिन इसके बाद इस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई है, ये सिर्फ हाई कोर्ट का एक मत था, उसके बाद शायद इसको चैलेंज भी किया गया था जो रिजेक्ट हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। वैसे सभी जो कांग्रेस के नेताओं पर नहीं, मैंने तो उदाहरण दिया आपको, महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा स्टेट है और वहाँ तो बिल्कुल पार्टियों को तार तार कर दिया था, तीनों पार्टियों को, कांग्रेस को भी, शिवसेना को भी और एनसीपी को भी। लेकिन जब नतीजे आए तो किस प्रकार से वहाँ पे कांग्रेस का उभार हुआ, 13 उनके खुद के जीते और एक उनकी मदद से जो जीते 14वीं सीट, उसके अलावा शरद पवार जी की पार्टी 8 MP जीत के आई है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 9 MP जीत के आई है। तो लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल सिरे से नकारा है और हरियाणा में तो जिस तरह के हालात हैं, यदि आप सिर्फ इसको राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहें तो ये तो और घातक है बीजेपी के लिए, इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं प्रदेश में। एक भाई साहब, जैसे टिकटों अभी चुनाव है तो सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं टिकटों साने के लिए अपने अपने नेताओं की परिक्रमा करते हैं, नेता कहते हैं भी सर्वे से मिलेगा, तो सर ओवरऑल आपको क्या पॉलिटिकल सिनेरियो लग रहा है अभी, टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बेस बनेगा? देखिए जो सर्वे है या ये जो एक नए प्रकार का एक सिलसिला पिछले 10-12 साल से शुरू हुआ है जिसमें प्रोफेशनल्स जो इलेक्शन मैनेजमेंट के हैं वो पहली बार हमारी इस पिक्चर में आए हैं पिछले 12-13 साल से। अमेरिका वगैरह में तो ये 50-60 साल से ये सिलसिला चल रहा है, तो वो भी कुछ नई टेक्निक्स हैं, नए तरीके हैं, कई बार वो कामयाब भी हुए हैं, तो उससे जो राजनीतिक दल हैं या नेता हैं वो प्रभावित भी होते हैं। बाकी लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, कौन कैंडिडेट अच्छा है नहीं है, उसका सबसे बेहतर आकलन तो पार्टी और पार्टी का जो नेतृत्व है वही कर पाता है। हाँ, सर्वे वगैरह जो हैं वो उसमें सहायक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ क्योंकि सर्वेज, अब सर्वे कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, किस प्रकार का वो अपना तरीका अपनाते हैं सर्वे करने का, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिन पे आप सवालिया निशान हमेशा लगा सकते हो। एग्ज़िट पोल ही ले लो सबसे बड़ा, एग्ज़िट पोल तो एक वो चीज़ है जो ये माना जाता है कि 10 में से 9 बार ठीक होनी चाहिए, क्योंकि वोट डलने के बाद का है, उस समय ओपिनियन नहीं है जो चेंज हो जाएगी, वोट डाल के लोग आए हैं, तो वो भी जब मैनिपुलेट हो जाता है या रिग्ड हो जाता है, जिस प्रकार से हमने देखा राष्ट्रीय चैनल जो हैं 11 चैनलों के एक जैसे एग्जिट पोल थे और सबकी पोल पट्टी खुल गई उसके बाद, तो सर्वेज की अपनी एक भूमिका है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सिर्फ वो ही एक इकलौता आधार बने कैंडिडेट सिलेक्शन का। पार्टी के अंदर जो लोग हैं जिन्होंने काम किया हुआ है, जो जिनका लोगों में एक प्रभाव है,
वो पार्टी का नेतृत्व जो है वो उसको बेहतर समझ सकता है। नहीं नहीं, आज तो रमेश बुरा जी ने जो हॉस्पिटल की स्थापना की है, मैट्रिक्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इसके उद्घाटन के लिए उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया था और जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। बाकी ये ज़रूर है कि अब तो चुनावी मौसम है और हरियाणा में कुछ इस तरह की अब एक वो बन गई है कि क्योंकि लोकसभा के कुछ महीने बाद ही असेंबली का आ जाता है, तो करीब लगातार 6-7 महीने जो हैं वो पूरा प्रदेश जो है वो चुनाव में ही फंसा रहता है। तो ठीक है, आजकल सबकी सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं सबकी अपनी गतिविधियाँ चल रही हैं, कईयों की तेज़ है, कईयों की धीमी है, कई कोशिश कर रहे हैं अपनी जगह तलाशने की, और ठीक है देखते हैं आगे क्या क्या होता है। कांग्रेस ने तो विनिंग पोजीशन ले जाता है। नहीं नहीं, वो तो देखिए कांग्रेस ने वैसे तो हाँ वही कांग्रेस ने तो वो जनता मांगे हिसाब के नाम से एक पूरी मुहिम शुरू भी की है, जिसके अंदर जो मुद्दे हैं वो उजागर किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो 10 साल का जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में, उसकी जो कारगुजारी रही है उसके खिलाफ है। किस प्रकार से हमारा जो सामाजिक ताना बाना जो है उसको तार तार करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोगों का ध्यान जो असली मुद्दे हैं, जो सरकार की निष्क्रियता है उससे हटा के उस पर लाया जा सके, जो पूरी कृषि की व्यवस्था चरमराई हुई है, जो एक एग्रेरियन क्राइसिस है और जिसको और बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि सरकार में कोई रोज़गार पैदा नहीं हो रहे, प्राइवेट सेक्टर में कोई रोज़गार पैदा नहीं हो रहे, हरियाणा पूरे देश में जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का बेरोज़गारी दर का सवाल है पूरे देश में सबसे पीछे हो चुकी है, केंद्र का खुद का ये आंकड़ा है, और उस प्रकार की चीज़ें हैं जो बहुत बड़े मुद्दे हैं। और उसके अलावा जो सरकार की कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनसे जनसाधारण रोज़ उससे त्रस्त हो रहा है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी आईडी है, चाहे वो आपकी परिवार पहचान पत्र है, चाहे आपके ये और पोर्टल 36 तरह के बना रखे हैं, तो हर चीज़ में लोगों को जो असुविधा पहुंची है वो सारे मुद्दे इकट्ठे होके इस चुनाव के अंदर आएंगे। सर, जैसे लगभग मुख्यमंत्री जो बने हैं तो बदला गया था मुख्यमंत्री को, तो उनकी कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहेंगे आप? उन्होंने क्या कुछ गेन कर पाए हैं या उनकी छाया से निकल पाए हैं, क्या कहेंगे? देखिए ये क्या मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि हम भिवानी में बैठे हैं, मैं वहीं का उदाहरण दे देता हूँ। इसी तरह का अंतिम समय में बदलाव एक बार 1986-87 में भी किया गया था, और जबकि वो बदलाव जो आया था वो तो बहुत बड़े नेता थे, नायब सैनी जी का अभी वो प्रोफाइल या ग्राफ तो नहीं बना है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के बदलाव जो पूरी अवधि ख़त्म होने से 2 महीने पहले किए जाते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता राजनीतिक तौर पर, क्योंकि आम तौर पे जो वोटर है, जो मतदाता है, वो किसी भी चुनाव से कई महीने पहले अपना मन बना चुका होता है। एक बहुत छोटी संख्या होती है जो किसी भी तरफ जा सकती है अंत में, तो वो लोगों का मत बना हुआ है। जो 9.5 साल की कारगुजारी रही थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी वजह से ये सारा बदलाव करना पड़ा, मुख्यमंत्री को बदला, वो जो एक अलायंस था उसको साइड में किया, मंत्रिमंडल में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए, ये सारे एक कहें डेस्परेट मूव्स हैं अंतिम समय में किसी प्रकार से अपनी जो स्थिति, वो ज़मीन जो खिसकती जा रही है किसी तरह से उसको रोक पाएँ, ये सिर्फ उसके प्रयास हैं। और इस प्रयास में सबसे बड़ी सोच जो है वो ना तो प्रशासनिक है, ना वो प्रदेश में कोई सुशासन देने की बात से संबंधित है, वो सीधा सीधा जातिगत समीकरण को दोबारा से वही हांडी चढ़ाने का एक प्रयास है। हरियाणा में जो 2 बार कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ भी बीजेपी को लाभ होने वाला है।